नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो अगर आज के इस वाले वीडियो में हम बताने वाले हैं 2020 के IPL में राजस्थान रॉयल्स टीम के प्लेइंग 11 के बारे में, तो उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज के इस वाले वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसकी ओपनिंग करेंगे वो है जॉस बटलर और रॉबिन उथप्पा, दोनों ही काफ़ी बढ़िया तगड़े ओपनर है। एक भारतीय ओपनर है तथा एक इंग्लैंड के ओपनर है, जो रॉबिन उथप्पा जो पहले KKR में रह चुके हैं, और अभी जॉस बटलर का जो पिछले साल काफ़ी इनका प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया था 2 सालों से, तो इसका भी प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहेगा इस साल। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं संजू सैमसन, जो इस टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज है। इसके बाद नंबर 4 पे इस टीम के कैप्टन है, इस टीम से वो बल्लेबाजी करेंगे। इसके बाद नंबर 5 पे आएंगे युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। उसके बाद नंबर 6 पे आएंगे विश्व के सबसे बड़े ऑलराउंडर में से एक बेन स्टोक्स। उसके बाद नंबर 7 पे आएंगे रियान पराग, जिनका भी प्रदर्शन पिछले साल काफ़ी बढ़िया था, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी। उनको मौका तक बहुत कम मिले थे पिछले साल, लेकिन एक मौका मिला था उसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया खेला था उन्होंने। उसके बाद नंबर 8 पे आएंगे श्रेयस अय्यर, ये भी ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों भी कर सकते हैं। हालांकि इनकी गेंदबाज ऑलराउंडर है, इनकी स्पिन काफ़ी बढ़िया है और पिछले साल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है विकेट लिए थे। उसके बाद आएंगे आने वाले हैं जो है जोफ्रा आर्चर, ये भी इंग्लैंड के बहुत बड़े तेज गेंदबाज हैं, इनका भी प्रदर्शन पिछले साल काफ़ी बढ़िया था, तो ये भी बहुत अच्छे गेंदबाज है। इसके बाद नंबर 10 पे आएंगे मयंक मार्कंडे, जो इसकी स्पिन गेंदबाज है, जिनको हाल ही में इन्होंने दिल्ली से ट्रेड किया है और दिल्ली ने उनको मुंबई से लिया था, तो इस प्रकार जो है ये राजस्थान टीम में शामिल हो गए। उसके बाद नंबर 11 पे आ सकते हैं जयदेव उनादकट या फिर कार्तिक त्यागी, इन दोनों में से जो एक बल्लेबाज है मतलब कि गेंदबाज है वो नंबर 11 पे आ सकते हैं। और आप अपने सबसे बताइए कि कौन आना चाहिए नंबर 11 पर। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा तगड़ी टीम है, शायद इस पर क्वालिफाई कर जाए, मतलब कि कर सकती है, टॉप 5 में जरूर रहेगी। और आप बताइए आपकी राय क्या है। तो बस ये चाहिए किसी वाले वीडियो में इतना ही।